हेलो एवरी वन वेलकम टू मेडिक मेडिकमेट्स सो आज हम करने लगे हैं सॉल्विंग सो सॉल्विंग और सॉल्विंग uh, का जो दूसरा नाम है उसको डिग्लूटेशन भी कहते हैं अच्छा सॉल्विंग uh, का मतलब है द प्रोसेस बाई विच फूड इज़ टेकन डाउन फ्राम द ओरल कैविटी एंड टू द स्टमक और द पाथवे इसमें जो पाथवे आपके पास होगा वो आपके पास ओरल कैविटी फिर आपके पास फेरिंग्स होगा फिर एजेगस होगा और उसके बाद आपका स्टमक आएगा सो so, सॉल्विंग की डिफिनीशन अगर हम देखें सो इट इज़ द प्रोसेस by which food particle or food is taken from oral cavity oral cavity to stomach Up ये जो प्रोसेस है आपके पास फूड औरल केविटी से स्टमक तक ये डायरेक्टली तो औरल केविटी से स्टमक में नहीं जाएगा इसमें दरमियान में एक पाथवे आता है उस पाथवे में आपके पास सबसे पहले आता है औरल केविटी फिर आपके पास औरल केविटी से आता है फेरिंग्स में स्पेशली फेरिंग्स में कौन सा फेरिंग्स फेरिंग्स के तीन पार्ट्स आपके पास नेज़ो फेरिंग्स होता है औरो फेरिंग्स होता है और लेरेंजियो फेरिंग्स होता है यहाँ पर औरल केविटी से आपका जो और फेरिंग्स है वहाँ पर यह फूड आएगा ठीक है फेरिंग्स और फेरिंग्स से फिर आपके पास आएगा इसोफेगस में और फाइनली इसोफेगस से आपके पास आएगा डायरेक्टली स्टमक में सो so ये आपके पास है सॉल्विंग या डिगोलिटेशन का जो मेन पाथवे है और उसकी डिफिनेशन है अब ये सॉल्विंग जो है ये आपके पास कितने फेजेस में होते हैं इसके टोटल है आपके पास तीन फेजेस मीनस के तीन पार्ट्स में सॉल्विंग होता है उनमें आपके पास है फर्स्ट वन है आपके पास औरल फेज़ औरल फेज़ में आपके पास फूड जो आप खाते हैं पहले वो औरल कैविटी में आता है औरल कैविटी में उसकी जो प्रोसेस होती है जिसको चीविंग कहते हैं उसको भी हम थोड़ी देर में करते हैं फिर उसके बाद फेरिंग्स का फेज़ आता है सेकेंड वन फेरेंजल फेज़ और लास्ट वन है आपके पास इजोफेगल्स फेज औरल केविटी है औरल फेज़ है इसमें आपके पास चीविंग होता है अच्छा औरल जो फ़ेज है आपके पास ये है आपके पास वलेंट्री फेज ठीक है यहाँ पर आप फूड को ग्रैंड करते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद आप ख़ुद ब खुद उसको वॉलेंट्रली uh, फ़ूड को बोलस को पुश करते हैं सो ये आपके पास है वॉलेंट्री प्रोसेस और आपके पास जो फेरेंजियल एंड एजोफेगल फेज है ये दोनों है आपके पास इन फेज जब आपका फ़ूड जैसे ही ओरल केविटी से आपके फेरेंजियल फ़ेज में चला जाता है वहाँ से आपका इन्वालेंट्री फेज स्टार्ट हो जाता है और फिर आप उस फूड को फिजियोलॉजिकली या ख़ुद ही उसको वापस जो है ना उसको रिटर्न नहीं कर सकते इसके अलावा आपके पास फेरिंग से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका फेरिंग्स है ये आपके पास होता है जो फेरिंग्स है इसके तीन पार्ट्स है और फेरिंग्स नेज़ो फेरिंग्स और आपका है लेरेंजो फेरिंग्स नेज़ोफेरिंग्स फिर आपके पास है और और आपके पास है लरेंजियो फेयरिंग्स अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्मली आप जब खाना नहीं खाते तो आपका जो फेरिंग्स वाला है और ये आपके पास एज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसका काम करता है और सिर्फ और सिर्फ फॉर अ फ्यू सेकेंड जैसे ही आपका बोलेस नीचे जाएगा सो उसी टाइम पर सिर्फ ये फेरिंग्स जो है ये आपके पास जो जी आई टी का ट्रैक बन जाता है और ओ फेरिंग्स के थ्रू आपका जो फूड है वो आपके पास एजो में ट्रांसफ़र करता है लेकिन नॉर्मली जो फिंग्स है इसमें आपके पास डजिस्ट्रो जो ट्रैक है उसका पार्ट नहीं बनता सिर्फ फॉर अ फ्यू सेकेंड ये बनता है सो so ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फेरिंग्स से रिलेटेड अच्छा अब इन तीनों फेज को स्टार्ट करने से पहले चीविंग जो है उसको हम इम्पोर्टेंट है उसको करते हैं पहले चीविंग को करते हैं फिर उसके बाद ओरल फेज़ से आएंगे और ओरल फेज़ से फिर हम जाएंगे फेरिंग्स में और फिर आपके पास जाएंगे इजोफेगल फेज़ में सो so सबसे पहले हमारे पास चीविंग क्योंकि जब देखो अब आपके पास है फ़ूड को ओरल फेज़ में आपके पास जब फूड मिक्सअप हो जाएगा बोलस बन जाएगा वो फिर जाएगा और ओरल कैविटी से फेरेक्स में तो वो आपका है ओरल फ़ेज़ लेकिन उससे पहले फ़ूड आएगा फ़ूड की ग्रैंडिंग होगी उसकी मिक्सिंग होगी सलाइवा के साथ वो सारा स्ट्रक्चर आपका वो जो प्रोसेस है वो आपके पास चीविंग में होता है अब चीविंग और चीविंग के साथ साथ यहाँ पर यह मस्टिकेशन भी चीविंग और मस्टिकेशन अब यहाँ पर क्या होता है मस्टिकेशन या चीविंग में सबसे पहले आप फूड को रिसीव करते हैं रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होता है कि जो आपका औरल कैविटी है औरल कैविटी में पहले आपका फूड आएगा तो औरल कैविटी में फूड आने के लिए पहले आप जो आपका लोअर जहा है इसको आप ओपन कर नीचे डिप्रेस करोगे ताकि आपको मुंह खुल जाए और फिर आप उसमें फ़ूड को जो है ना ट्रांसफ़र करें अब इसमें क्या होता है आपके पास डिफरेंट मसल्स होते हैं मेन जो आपके पास मस्टिकेशन के मसल्स वो आपके पास चार मसल्स हैं एक है आपके पास मिडल टेरीगॉयड मसल ये वाला आपके पास मिडिल टेरीगॉयड है ये है आपके पास मेसीटर मसल ये है आपके पास लेटरल टेरीगॉयड मसल ग्रीन वन और ये है आपके पास टेम्पोरस मसल आपके पास मस्टिकेशन के चार इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं और ये सारे आपके पास सप्लाई होते हैं फिफ्थ क्रेंजन लर्व से जो आपका है ट्राइजेमिनल लर्व ठीक है अब इसमें क्या होता है कि जब आपका सबसे पहले फूड आएगा सो तो आपने जॉ को ओपन करना है सो तो जब जॉ को ओपन करना है तो ये जॉ जब नीचे आएगा तो ये कौन करता है ये आपके पास जो आपका लेटरल टेरिगोइड मसल है ये करता है सो तो सबसे पहले जो ओपन ओपनिंग ऑफ औरल केविटी ओरल के के ओपनिंग में आपके पास कौन सा मसल आएगा ये आपके पास आएगा लेटरल टेरीगोइड मसल ठीक हो गए अब लेटरल टेडोइड मसल क्या करते हैं ये आपके पास डिप्रेस करता है आपके लोअर जा को सो ये भी है डिप्रेस करेगा सो आपका जो लोअर जाए पास नीचे आएगा वो स्ट्रेच हो जाएगा इसके साथ साथ लेटरल टेरीगोइड मसल के साथ साथ जो और आपके पास जो एक्स्ट्रा मसल जो हेल्प के लिए आएंगे वो आपके पास है डायगेस्टिक मसल उसकी इंटीरियर बेली डाइगेस्टिक मसल और आपके पास दूसरा जो है वो है माइलोहाइड मसल ठीक हो गया ये जो आपके पास है ये तीनों मसल आपके पास कौन सप्लाई कर रही है आपके पास सप्लाई कर रहा है फिफ्थ क्रैनियल नर्व ट्राइजेमिनल अब आपको पता है कि ट्राइजेमिनल नर्व के तीन है एक आपके पास होता है अफ्तार एक ब्रांच एक होता है आपके पास ब्रांच एक है आपके पास मैंडिबुलर ब्रांच सो so, आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व का जो मैंडिबुलर ब्रांच है वो आपके पास सप्लाई कर रहा है इन मसल को जब ये मसल एक्टिवेट होंगे तो आपका लोअर जा डिप्रेस हो जाएगा वो नीचे आएगा जब आपका लोअर जा ओपन हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा आप फूड ले लेंगे फिर उसके बाद रीबाउंड कंट्रैक्शन होगा इन मसल्स का क्योंकि एक दफ़ा जो ओपन हो गया अब इसके बाद बंद होना है सो आपके पास सेकेंड जो फेज़ होगा उसमें आपके पास हो जाएगा रीबाउंड कंट्रैक्शन अब आपके पास रीबाउंड कंट्रैक्शन कौन कौन से मसल करते उनमें आपके पास है मैसीटर मसल सेकेंड वन है आपके पास टेम्पोरलिस मसल और थर्ड वन है आपके पास मीडियल टेरिगोइड मसल लेटरल टेडिगो डिप्रेशन में काम करता है बाकी ये जो तीन मसल है ये आपके पास जो को अपर साइड पर क्लोज करने में हेल्प करते हैं और ये जो तीनों मसल्स है ये भी आपके पास सप्लाई होता है ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व का फिफ्थ ब्रांच सो तो अगर आप इसको एनाटॉमिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ये किस तरह होगा आपके पास ये आएगा वी मीन्स फिफ्थ क्रैन्यूलर और आपके पास तीन मीन के फिफ्थ क्रैनियल नर्व का जो थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर ब्रांच वो आपके पास सप्लाई कर रहा है ये अभी आपके पास आ गया फूड और इसके बाद जो है ये जो आपके पास प्रोसेस है लेटर टेरीगोइड मसल का वो रिबाउंड कन्ट्रक्शन में फिर ये मसल ये आपके पास कंटिन्यूसली होता जाएगा पहले ये नीचे आएगा जो फिर ऊपर आएगा इन मसल्स के थ्रू और इसी तरह आपकी फूड की जो ग्रेंडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी जो मैकेनिकल डाइजेशन जिसको हम कहते हैं अब इसमें मैकेनिकल डाइजेशन में आपके पास कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स है वो काम करते हैं उनमें आपके पास होता है टीट्स होते हैं और आपके पास यही मसल्स होते हैं जो मस्टिकेशन के लेटरल है लेटर मसल टेलीगोइड टेम्पोरलिस और मीडियल टीथ्स में आपके पास टोटल जो आपके बॉडी में है वो आपके पास इंसेसर्स है कनाइंज है और मोलर्स है इंसेसर कनाइं और मोलर्स आपके पास जो इंसेसर्स है ये आपके पास फूड को कटिंग में काम करते हैं जो आपके पास है ये टेयरिंग में काम करते हैं फूड को टेयर करते हैं और आपका जो है ये फूड के ग्रेंडिंग और क्रशिंग में काम करते हैं ठीक हो गया सो so, इसके बाद अब ये तो फूड आपका ग्रैंड हो रहा है कटिंग भी हो रही है टेरिंग भी हो रही है और साथ में जो आपका टंग है वो फूड को मिक्सिंग में सलाइवा के साथ और मूवमेंट में एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ताकि सारा का सारा फूड आपके जो टीट से उनमें प्राप्त तरह से वो ग्राइंड हो मिक्स हो और कट हो अब इसमें क्या होता है आपके पास जैसे ही फूड आएगा एक तो आपके पास नॉर्मल सलाइवा होता है आपके जो इंट्रेंसिक ग्लैंड्स होते हैं टंग में वो आपके पास सिक्रिएट करते हैं ओरल केविटी में इसके साथ साथ आपके जो मेन स्लाइवरी ग्लैंड हैं जो आपके एक्सटेंसिक्स हैं उनमें आपके पास है पेराटेड ग्लैंड फिर आपके पास होता है सब ग्लैंड और आपके पास होता है सब ठीक हो गया ये चीज़ें इन, इन ने इन्होंने आपके पास सिक्रीट करना है पैराठा ग्लैंड आपके पास सिक्रीट कर रहा है सेरस सेरस सलेवरे सलेवा ये आपके पास सप्लाई कर रहा है मिक्स सलेवा और ये जो है आपके पास सप्लाई कर रहा है म्यूकस म्यूकस सलेवा ठीक है सो so, इन ग्लैंड के लिए क्या हो जैसे ही आपके पास फूड आएगा ओरल कैबिटी में यहाँ से फिर आपके पास जो नर्व्स होंगे उनके थ्रू आपके पास सिग्नल जाएगा ऊपर ठीक है और वो सिग्नल आपके पास जब जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर वहाँ से आपका एक्टिवेट हो जाएगा जो ट्राइजमिनल नर्व के मोटर ब्रांचेज है वो और आपका जो वेगस नर्व है जो इन ग्लैंड को अच्छा यहाँ पर आपके पास जो पैराटल ग्लैंड ये आपके पास अप्लाई कर रहे हैं सेवन नर्व और न्यूक्लियाई इसका होता है इन्फीरियर स्लाइबेट्री न्यूक्लियस जो सब मिंडिगुलर सब लिंग्वेल है ये आपके पास सेवन नर्व सॉरी ये नाइन्थ है सेवन नर्व और सेवन नर्व के साथ सुपीरियर सलाइबेट्री न्यूक्लियस जो आपका पौज में होता है ये आपके पास है इन्फीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस और इनको सप्लाई देता है फिर यहाँ से आपके पास सलाइवा आता है वो भी आपके फूड के साथ मिक्स होता है सलाइवा क्या करता है फूड को लुब्रिकेट करता है इसके अलावा आपके पास जब मस्टिकेशन होता है और सलाइवेशन होता है सो इन दोनों के आपके पास इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं ठीक है ठीके? सो ये क्या करता है ये आपके पास लुब्रिकेट करता है लुब्रिकेट द फूड अब आपके पास ये तो आपके पास सारा चीविंग हो गया ठीक है इन में ग्लैंड भी आ गए म्यूकस भी आ गया सलाइवा भी आ गया सलाइवा इसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी है जो आपके फूड में मिक्स हो गए और इस जो टंग है वो आपके पास इन मसल फूड को और सलाइवा को दोनों को मिक्स करते अब आपके पास चीविंग में आपको मिलता क्या है ठीक है फंक्शंस ऑफ चीविंग अब चीविंग में आपके पास क्या होता है सबसे पहले आपके पास जो चीविंग होता है इसमें आपके जो जितने भी फूड पार्टिकल्स है उनकी कटिंग होती है डाइजेशन होती है ठीक है कटिंग प्लस डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड और आपके पास यहाँ पर जो मैक्सिमम आपके पास डाइजेशन होगा आपके पास कौन सा होगा यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम मैकेनिकल होगा प्लस आपके पास केमिकल भी हो क्योंकि यहाँ से जो ग्लैंड से जो सिक्रीशन आ रहा है वो भी आपके पास है सो so, केमिकल भी होगा लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम वो आपके पास मैकेनिकल होगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास ये है कि आपके पास कुछ फूड होता है सम फूड सम फूड आपके पास ऐसा होता है जिन में आपके पास उनके मेम्ब्रेन में सेलुलोज होता है और वो जो सिलोलोज है वो आपके पास केविटी में ही जो मेकेनिकल इन में ही ब्रेक डाउन होना चाहिए क्योंकि आपके पास समक में वो मसल नहीं हो ग्लैंड नहीं होते सॉरी एन्जाइम नहीं होते जो सेलुलोज़ को कट करें सो चीविंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो विजिटेबल जो फ्रूट्स में आपके पास सेलोलोज होता है वो आपके पास औरल्केविटी में ही कट हो उनकी डाइजेशन हो जाए सो सम फूड प्लस विजिटेबल contains cellulose and their membrane which should be digested in oral cavity ठीक हो गया अच्छा ये आपके पास हो गए अब इसके बाद क्या है जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम से वो आपके पास फूड जो प्रोटिकल फूड पार्टिकल्स है इनमें आपके पास एक्ट करते हैं और वो आपके पास क्या करता है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बशन एंड डाइजेशन अब आपके पास ये आप देखें कि आपके पास है टोटल लेट सपोज ये आपके पास है पूरा एक चंक आप फूड आपने जो कहा है, है वो आपके पास आए अब अगर यहाँ पर आपके पास एक्ट करेंगे तो जो आपके एजाइम्स होंगे वो आपके पास सुपरफिशियल आपके पास यहाँ पर एक्ट करेंगे लेकिन अंदर जो चीज़ें उन पे एक्ट नहीं करेंगे जैसे ही आपका फूड ग्रेंड होगा टेयर होगा तो आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया तो इनकी सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ हो गया और ये आपके पास एक्सपोज हो गए इन सारे इंजाइम को तो इनकी डाइजेशन एब्जॉर्पन वगैरह आपके पास आसान हो जाएगा अब चीविंग के रिज़ल्ट में आपके पास फिर क्या बनते हैं जो आप फूड खाते हो लेट सपोज ये आपने यहाँ से फूड पार्टिकल लिया है ठीक है बड़ा फूड पार्टिकल लेट्स सपोज ये आपके पास फूड पार्टिकल है और आपने ये लिया है सारा चीविंग वगैरह करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा जो स्ट्रक्चर बन जाते उसको हम कहते हैं बोलस ठीक हो गए, ये आपके पास बोलस बन गए अब यहाँ से आपके पास चीविंग के बाद आपका जो मेन प्रोसेस है जो आपके पास डिगलीटेन uh, है सॉल्विंग प्रोसेस वो आपके पास अभी इसके बाद स्टार्ट हो जाता है जब बोलेस रेडी हो जाता है फिर इसके बाद आपका जो सॉल्विंग प्रोसेस है वो आपके पास स्टार्ट हो जाता है सो so, अब आपके पास है ओरल फेज़ ऑफ सॉल्विंग जब आपका फूड बोलेस uh, बन जाएगा अब इसके बाद इसने जाना है टू द स्टमक टू द स्टमक आपका एक्चुअल जो ओरल फेज़ है वो आपके पास स्टार्ट हो जाता है ओरल फेज़ में आपके पास फूड जो पुश होता है सॉल्विंग होते है उसमें आपके पास मेनली कौन काम करता है आपका टंग जो है वो आपके पास काम करता है टंग में आपके पास होते हैं दो तरह के मसल एक है आपके पास इंटरेंसिक मसल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ टंग और दूसरा है आपके पास एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ टंग लेट सपोज ये है आपका टंग इसमें आपके पास होते हैं कुछ इंटेंजिक मसल और एक आग, आपके पास है एक्सटेंजिक मसल अब इंटेंजिक जो मसल आपके पास क्या करते हैं वो आपके पास एक ग्रू सा बना देते हैं टंग के अंदर और उस ग्रू में क्या बन जाता है आपका एक डिप्रेशन सा बन जाता है और उसमें आपका बोलस जो है ना वहाँ पर चला जाता है ठीक है उसमें आपके पास फिर एक्सटेंजिक मसल क्या करता है एक्सटेंजिक मसल आपके पास क्या करते हैं वो आपके पास जो आ, टंग है उसकी जो लोकेशन है वह आपके पास एलिवेट कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आपका फूड पर, पर है टंग एवेट हो जाता है जब टंग एवेट होगा तो आपका जो फूड है वो आपके पास डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा और इसके बाद जो आपका बॉलेस है वो आपके पास फेरेंस वाले साइड पर आ जाएगा ठीक है सो अगर आप यहाँ पर देखें ये देखो आपके पास यहाँ पर टंग जो है वो आपके पास ऊपर गया है और ये जो बोलेस ये आपके पास पीछे पुश हो रहा है ठीक है ये आपके पास है औरल फेज ओरल फेज़ में आपके पास टंग और टंग को कौन सप्लाई कर रहा है वो आपके पास होता है ट्वेल्व क्रेनर जिसका नाम है हाइपो हाइपोग अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो आपके एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ टंग है उनमें आपके पास एक जो मसल है जीनो ये आपके पास एक एक्सेप्शन मसल है क्योंकि ये सप्लाई होता है क्रैनियल नर्व नंबर टेंथ वेगस नर्व से बाकी जो आपके एक्सट्रेंजिक मसल्स है स्टाइलो मसल है माइलोहाइड मसल है वो आपके पास सप्लाई हो रहे हैं ट्वेल्थ नर्व से लेकिन जो जीनो मसल है वो आपके पास वाद मसल है टंग का जो सप्लाई होता है या वो नर्व इनोशन रहता है टेंथ क्रैनियल नर्व से सो ये आपके पास है ओरल फेज अब इसके बाद बोलस ने शिफ्ट होना है आपके फेरिंग्स में अब अगर फेरिंग्स की बात कर ले आपके पास अब यहाँ पर आपने तीन चीज़ें जब फेरिंग्स में फूड आने सो आपके पास ये आपके पास है नेज़ो फेरिंग्स ये वाला पोर्शन आपके पास है ओरो फेरिंग्स और ये वाला जो फेरिंग्स है ये आपके पास है लेरेंजो फेरिंग्स अब जब ये फूड आएगा ओरल कैविटीज फेरिंग्स है अब आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फूड के आपके पास तीन रास्ते होते हैं या तो ये नेज़ल कैविटी में आ सकता है या ये आपके पास औरो से लेरेंजो फेरिंग्स में आ सकता है लेरिंग्स में चला जाता है जहाँ पर आपकी हवा की नाली है ये आपके पास ये एजोफेगस में आ सकता है जो डायरेक्ट स्टमक में जाता है सो आपके पास यहाँ पर फूड के लिए है तीन ल, तीन रास्ते हैं उसके लिए सो फेरेंजल फेस So, आपके पास फेरेंजियल फेज में क्या होता है जैसे ही ये यहां पर आपने फेरिंग्स वाले इस एरिया में आपके पास होते हैं तीन स्ट्रक्चर एक आपके पास होता है प्लेटो फिरेंजियल आर्ट सेकेंड वन है आपके पास प्लेटोगल आर्ट और थर्ड वन है आपके पास यहां पर टॉन्सलर फोसा आपके पास यहाँ पर जो प्लेटो ग्लासल आर्च है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मोस्ट सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जैसे ही आपका फूड यहाँ पर इस प्लेटो ग्लासल आर्च को टच करेगा यहाँ से आपकी जो सेंसरी स्टिमुलेशन वो आपके पास एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कौन कौन से नर्व होंगे वो आपके पास जो नाइन करेंजियल नर्व है ग्लासोफेरेंजियल नर्व ग्लासोफेरेंजियल नर्व प्लस आपका जो फिफ्थ नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व इन दोनों नर्व के थ्रू आपके जो सेंसरी इनर्वेशन है वो आपके पास ब्रेन स्टेम में चले जाएंगे आपका जो ब्रेन स्टेम है जिसमें आपके पास होता है मिड ब्रेन पौज और आपके पास होता है ये वाला जो एरिया है ये आपके पास है ब्रेन स्टेम यहाँ से आपके पास सेंसरी फाइबर चले जाएंगे ब्रेन स्टेम में और ब्रेन स्टेम में ये डिफरेंट न्यूक्लियाईज को स्टिमुलेट करेंगे एक्टिवेट करेंगे उनमें आपके पास कौन कौन से न्यूक्लिया जो आपके ये तो आपके पास है सेंसरी सप्लाई ठीक है ये आपके पास है सेंसरी फिर यहाँ से आपके पास जब यह जाके न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे वहाँ से फिर मोटर फाइबर जाएंगे मोटर फाइबर में आपके पास आएंगे फिर जो ट्रेजेमेल नर्व का मोटर फाइबर है और सेकेंड वन है आपके पास नाइन क्रेनिलर ग्लॉस और आपके पास यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास नर्व रिमेंबर के जो आपके पास मैक्सिमम जो इनवलेंट्री ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर्स है उनको सप्लाई कर रहा है वेगस नर्व मोटर सप्लाई सो आपके पास ये नर्व स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर इसके बाद ये जो फाइबर्स होते हैं यहाँ से फिर मोटर फाइबर आएंगे और अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैसे नेज़ोफेरिंग से फूड को जाने से रोकते हैं फिर उसके बाद लरेंजो फेरिंग से और जैसे कैसे ये आपके पास इजोफेगस में आता है सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड को नेजो फेरिंग से बचाने के लिए नेजो फेरिंग में जाने से रोकने के लिए कौन काम करता है यहाँ पर आपके पास आता है जो आपका नाइन क्रेनियल नर्व है उनके फाइबर्स आपके पास आते हैं नाइन क्रेनियल नर्व ठीक है यहाँ पर आपके पास जब नाइन क्रेनियल नर्व के फाइबर्स आएंगे वो आपके पास स्टिमुलेशन देगी यहाँ पर आपके पास होता है यूवेला ठीक है ये देखे आपके पास ये आपके पास यूवेला पहले आपके पास नीचे है ठीक है ये आपके पास ऐसा होता है जैसे ही नाइन क्रेन नर्व के फाइबर आएंगे जैसे ही बोलेस यहाँ पर आएगा सो तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा और ये जो आपका नेजो फेरेंस वाला एरिया आपके पास ब्लॉक कर देगा ठीक है सो तो नाइन क्रेन नर्व आएगा और ये क्या करेगा यूविला को कंट्रैक्ट करेगा ठीक है यूविला को कंट्रैक्ट करेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके सॉफ्ट पैलेस के जो मसल्स हैं उनको ट्रेजिमिनल नर्व जो आपका फिफ्थ कैन नर्व है आपके पास कंट्रैक्ट करेगा आपके जो सॉफ्ट पैलेस के मसल्स हैं उनको एलिवेट करेगा और इसी तरह आपका ये वाला जो एरिया है आपका नेज़ो फेरिंग्स वाला एरिया है ये आपके पास क्लोज़ हो जाएगा इस टाइम पर और आपका जो फूड है बोले से उसको फेरिंग्स में जाने से आपका रोक गया अब इसके बाद है आपके पास जो फूड का सेकेंड जो पाथ है वो आपके पास लेरिंग्स में जा सकता है और लैरिंग्स में जाना हत, बहुत ही बड़ा ख़तरा है क्योंकि यहाँ पर आपके लंग्स होते हैं जिनमें आपका ऑक्सीजन वगैरह होता है वहाँ पर एयर का काम होता है फूड का वहाँ पर कोई काम नहीं होता अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि लेट सपोज यह है आपके पास लरिंग्स लेरिंग्स में आपके पास क्या होता है यहाँ पर आपके पास होते हैं वोकल कार्ड्स ठीक है वोकल कार्ड्स होते हैं और दूसरा आपके पास होता है यहाँ पर एपिग्लॉटिस सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है जो आप सॉरी वोकल कार्ड होते हैं पहले वो आपके पास बंद होंगे ठीक है so, सो पहले यहाँ पर आपके पास फाइबर आएंगे वोकल कार्ड्स के लिए सो वोकट कार्ड के लिए आपके पास आएंगे जो टेन क्रेंज नर्व है इनसे फाइबर आएंगे इनके दो ब्रांचेज होते हैं वैगस नर्व के यहाँ पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेरेंजन नर्व और वो आपके पास जब आएंगे वन को फाइबर्स देंगे और ये आपके पास स्टमलेट हो जाएंगे और ये दोनों पहले आपके पास ऐसे होते हैं आपके पास दोनों जो वोकल कार्ड आपके पास दोनों अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे और आपका जो वोकल कार्ड है उसको लेरेंग्स को बंद कर देंगे जब आपके पास लेरेंग्स बंद हो जाएंगे तो आपका फूड जो है यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकता सेकेंड वन आपके पास जो एपिगलॉडर्स है इसके लिए आपके पास आता है एपिग्लॉटिस के लिए आपके पास नाइन कैल नर्व से फाइबर आते हैं और एपिग्लॉटिस आपके पास यहाँ पर नीचे आ जाता है और एपिग्लॉटिस फर्दर प्रोटेक्शन के लिए आपके पास ये बंद कर लेता है आपके लैरिंग्स को ठीक हो गया सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपके पास एपिग्लॉटिक्स है ऊपर यहाँ पर आपके पास वोकल कार्ड होते हैं पहले वोकल कार्ड्स अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं और सेकंड वन आपके पास यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है वो आपके पास ब्लॉक कर देता है लैरिंग्स को फर्दर प्रोटेक्शन के लिए इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर जो यहाँ पर होता है तो उसमें आपके पास ये होता है कि जो आपके यहाँ पर मसल्स होते हैं ठीक है इंटीरियर साइड पर यहाँ पर आपके पास मसल्स होते हैं जिनमें आपके पास होता है पेरी एपिक्लाटिक फोल्ड्स वगैरह होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं जब वो आपके पास कंट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका जो लेयरिंग है इसको इंटीरियर साइड पर पुश कर लेंगे और इंटीरियर साइड पर पुश करने से आपका जो लेयरिंग वो आपके पास टंग के नीचे आ जाएगा लेट सपोज ये है आपका टंग सो so, आपका लेरिंग्स नॉर्मली यहाँ पर होता है लेकिन जैसे आपका सॉल्विंग होता है सो so पहले आपने वोकल कॉर्ड्स को बंद कर दिया फिर आपने एपिगलोटिस को बंद कर दिया और फर्दर प्रोटेक्शन के लिए फूड को डायरेक्टली एपिगलॉट एसोफेगस में आने के लिए जो आपका लेरिंग्स है वो आपके पास यहाँ से इस साइड पर आ जाएगा थ्रू कंट्रेक्शन ऑफ यहाँ से जो मसल्स है उनकी वजह से आपका लयरिंग्स इंटीरियर साइड पर आ जाएगा और अंडर द टंग आ जाएगा और uh, इसकी वजह से आपका जो फूड है वो आपके पास लरिंग्स में जाने से रोक जाएगा So, अब आपने जो दो आपके पास डेंजरस रास्ते थे वो आपके पास एक था नेजल वो आपने प्रिवेंट कर दिया आपका लैरिंग्स जो है वो भी आपने प्रीवेंट कर दिया अब इसके बाद है अब हमारा जो फूड है वो सीधा सीधा में आएगा जो अब हम इसको डिस्कस कर दें आपके पास फेरेंग्स में आपके पास दो तरह के मसल्स होते हैं एक होता है आपके पास आउटर लॉगनीच्यूडल मसल आउटर लवनचूडन में आपके पास होते हैं स्टाइलो मसल स्टाइलोफेन्जिस मसल सेकेंड वन है आपके पास यहां पर सल्फेंजो मसल और लास्ट वन है आपके पास जो आउटर लवनचूडन मसल है उसमें आपके पास है प्लेटो मसल ठीक हो गया ये आपके पास होते हैं आउटर लॉक न्यचूडनल मसल लग सब यह आपका फेरेंस तो आपके पास आउटर लॉक न्यूचूडनल मसल्स होते हैं और आपके पास इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं और सेकेंड वन जो आपका मेजर ग्रुप है वो आपके पास इनर सर्कुलर मसल इनर सर्कुलर मसल में आपके पास कौन कौन से उनमें आपके पास है सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर फिरेंजल कंस्ट्रक्टर इन्फीरियर जो है उसको उसका जो सेकेंड नाम है वो आपके पास एज एक्ट करता है अपर इसोफेगल वेंटर और जिसको क्रिको फेरेंजिस मसल से बना होता है सो so, इसमें आपके पास तीन मसल है एक है आपके पास सुपीरियर सेकेंड वन है आपके पास मिडल और आपके पास है इन्फीरियर जियल कंस्ट्रक्टर मसल अब आपके पास क्या होता है जो आपका इंफीरियर फिरेंजियल कंस्ट्रक्टर मसल है इसका जो दूसरा है, ये आपके पास क्रिको मसल और ये आपके पास क्रिको मसल एक्ट करता है आपका अपर इजोफेगल स्फेंटर। ठीक हो गया आपका जो अपर जो फेगल सेंटर है वो आपके पास एक करता है बाय क्रिको फ्रेंज मसल अब आपके पास क्या होता है यहाँ पर आपका जैसे ही फेरेंस में फूड आएगा यहाँ से आपका जो पेरास्टाइलस है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगा पेरास्टाइल्सिस क्या होता है वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो आपके ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड जाएगा ठीक है और इन मूवमेंट के थ्रू आपका जो फूड है वो आपके पास ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और नीचे आपका जाता है टूवर्ड्स अनस्थ तक ठीक है पेरस्टाइलिस आपके पास ऑलवेज फ्रॉम ओरल कैविटी टूवर्ड्स अप लोअर पार्ट एनएस तक जाता है अब यहाँ पर आपके पास जो इनकी इनर्वेशन है वो आपके पास मेनली ट क्रेन नर्व से होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टाइल ऑफ एरेंजिस मसल है ये आपके पास सप्लाई होता है नाइन क्रेन नर्व से ठीक है अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है जब आपका नाइन क्रेन नर्व को फाइबर लाएंगे ठीक है यहाँ पर आपके इन मसल्स में जो आउटर लॉगनिच्यूडनल इनर सर्कुलर है लेट सपोज ये आपके लॉगनीच्यूडल मसल्स और ये आपके पास है इनर सर्कुलर मसल इन दोनों के दरमियान यहाँ पर आपके नर्वस सिस्टम के प्लेक्सेस होते हैं जिनमें आपके पास है यहाँ पर होता है मैंटेरिक प्लेक्स मैंटेरिक प्लेक्स में आपके पास दो ब्रांच तो एक है आपके पास असेंडिंग ब्रांच और जो आपके पास इनर है जो सर्कुलर मसल के साथ होते हैं ये है आपके पास डिसेंडिंग ब्रांच जो असेंडिंग ब्रांच है वो आपके पास क्या करता है वो आपके जो मसल है इनको रिलैक्स करता है और इनको कंट्रैक्ट करता है जो आपका डिसेंडिंग ब्रांच है वो आपके पास आउटर मसल्स को कंट्रैक्ट करता है और आपके जो इनर मसल्स है इनको रिलैक्स करता है और इसी तरह आपका ये क्या करता है लेट सपोज ये आपके पास है फेयरिंग्स जो आपके पास ऊपर ऊपर साइड पर लेट्स यहाँ पर आपका बोलस आ गया है सो यहाँ पर ये यह कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे सो यहाँ से ये यह फूड को पुश करेंगे और ये वाला जो एरिया आपके पास रिलैक्स हो जाएगा और आपका फ़ूड जो है ना यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा फिर जब यहाँ पर आएगा सो यहाँ से जो डिसेंडिंग प्लेसेज वो आपके पास इन जगह को कंट्रैक्ट करेगा और डिसेंडिंग यहाँ वाले को रिलैक्स करेगा और आपका फूड यहाँ पर आ जाएगा और ये आपके पास है वेव ऑफ़ पेरास्टाइल्सिस जैसे ये आपके पास ऊपर से नीचे आएगा तो जैसे ही आपके पास ये लेट सपोज देखिए यहाँ पर आपका इस ये है आपके पास अपर एजोफेगल्स वेंटर ये आपके पास नॉर्मली ब्लॉक होता है जैसे आपका फूड यहाँ पर आएगा सो तो जैसे ही आपके पास यहाँ पर मिडिल कंस्ट्रक्टर पे जैसे ही इन्फीरियर में आएगा जैसे यहाँ पर टच होगा सो तो आपका यहाँ पर टेन क्रेनर के फाइबर्स आएंगे और जो आपका एस अपर एजोफेगल्स फेंटर है उसको थोड़ी देर के लिए कोल देंगे ओपन कर लेंगे आपका बोलेस नीचे आ जाएगा जैसे ही बोलेंस नीचे आएगा ये आपके पास क्लोज हो जाएगा क्योंकि आपकी जो ईयर है उसने कांस्टेंटली आपके लंग्स में जाना है so, सो ये आपके पास होता है फॉर शॉर्ट टाइम जो आपका इस जो फेरिंग्स होता है ये आपके पास ओरल केविटी का पार्ट बन जाता है और 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 उसके बाद नॉर्मली वो आपके पास होता है रिस्परेटर सिस्टम का ट्रैक अब आपके पास है जो लास्ट पार्ट है आपका सॉल्विंग का वो है आपके पास इजोफेगल फेज अब इजोफेगल आपके पास के ये आपके पास एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फूड औरल कैविटी से अ पाथवे काम करता है और आपके स्टमक में आता है ठीक है यहाँ पर मेन जो डाइजेशन आपके पास यहाँ पर होता है सो ये आपके पास सिर्फ़ एक पाथवे है एक ट्यूब है जिसमें आपका फूड ऊपर से नीचे आता है स्टमक तक और आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर इजोफेगस नॉर्मली क्लोज रहता है ऊपर सुपीरियरली भी इन्फीरियर भी सुपीरियर आपके पास यहाँ पर होता है अपर इजोफेगल फेंटर और ये आपके पास बना होता है आपके करके फ्रेंजियस मसल्स और ये है आपके पास लोअर इजोफेगल फेंटर वो सुपीरियर वाला इसलिए बंद होता है कि यहाँ से ईयर ना आए ठीक है ठीके? आपके पास नॉर्मली क्योंकि आपका ईयर तो हमेशा आता है ना और इन्फीरियर के पास इसलिए क्लोज़ होता है यहाँ पर आपके पास स्टमक में होता है एच सी एल और एच सी एल हाईली एसिडिक होता है और आपका जो यहाँ पर अपीतिलियम डिफरेंट होता है इसोफेगस में आपके पास होता है नॉन केरेटेनाइज स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपीतिलियम यहाँ पर होता है आपका सिंपल क्लूमर एपीतिलियम तो यहाँ पर आपका म्यूकस वगैरह नहीं होता प्रोटेक्शन सेल नहीं होते सो तो अगर ये यह एच सी एल यहाँ से इधर आए तो आपके एसोफेगल केमिकोलों को डैमेज करेगा इसलिए आपके दोनों जो स्पेंटर वो आपके पास क्लोज रहते हैं अब ये आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पर आपके पास क्या होता है पेरास्टाइलिस तो लेकिन ये पेरास्टाइल्सिस तो आपके जो फेरिंग से नीचे आते हैं वही पेरास्टाइल्सिस के जो फेज होते हैं आपके पास यहाँ पर कंटिन्यू होते सो कंटिन्यूशन ऑफ़ फेरेंजियल पेरेस्टालसिस और ये आपके पास सप्लाई करता है टेन क्रैनियल नर्व जो आपका वेगस नर्व है वहां से ये आपके पास सप्लाई करता है जैसे ही आपके फेरिंग्स में यहाँ पर फूड टच करेगा सो ये लोअर इसोफेगल फेंटर को रिलैक्स करेंगे आपका फूड यहाँ पर आएगा जब यहाँ पर फूड आएगा अच्छा आपका एजोफेगल होते उसमें आपके पास तीन तरह के मसल से होता है अपर जो वन थर्ड है वन थर्ड अपर वो आपके पास होता है जो आपका स्केलेटल मसल्स है स्ट्राइट स्केलेटल मसल उनसे बना जो मिडल वन बाय थर्ड है वो आपके पास बनता है मिक्स नर्व मीन्स के आपके स्ट्राइट भी होते हैं और उसमें आपके पास स्मूथ मसल्स भी होते हैं मिक्स मसल और जो आपका लोअर वन बाई थ्री है वो आपके पास बना होता है स्मूथ मसल से अब यहाँ पर आपके पास पे स्टाइल्सिस सेम कंटिन्यूस होता है आपके फेरिंग से यहाँ पर फूड आया आपके पास फिर ये आपके पास कंट्रैक्ट हो जाएंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे फूड यहाँ पर है ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे ये रिलैक्स और इसी तरह ये फूड आपके पास नीचे जाएगा जैसे ही यहाँ पर आपका फूड पहुंचेगा सो तो यहाँ से जो आपका मेन डायरेक्ट प्लेक्स होगा वो लोअर रिसोफेकल स्पिल्डर को सिग्नल दे देगा लोअर रिसोफेकल स्पिलेंडर ओपन हो जाएगा और फूड आपके पास आएगा यहाँ पर जैसे ही फूड आपके पास स्टमक पर आ जाएगा लोअर रिसोफाइकल सेंटर आपके पास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फिर जो एसिड्स होता है वो आपके पास आ सकता है एसोफेगस में क्योंकि एसोफेगस में कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता इसलिए वहाँ पर आपके पास ये फूड नहीं आता क्योंकि लोअरफेगस वेंटरोस उसको प्रोटेक्ट करता है अब आपके पास यहां पर जो पेरेस्टालसिस होता है इसफेगस में वो आपके पास होता है दो तरह के एक है आपके पास प्राइमरी पेरेस्टालसिस और एक है आपके पास सेकेंडरी पेरेस्टालसिस जो आपका प्राइमरी पेरेस्ट्रॉल है वो आपके पास सेम कंटिन्यूएशन है जो आपका फेरेंगस uh, के जो है वहाँ से जो आपका नीचे आता है वही सेम आपके पास एजोफेगस में स्टार्ट होता है वो आपके पास फ़र्स्ट जो फेज़ है पेरेस्टॉल्स वो आपके पास प्राइमरी होता है सेकेंडरी आपके पास तब होगा लेट सपोज़ ये है आपके पास एजोफेगस इसमें आपके पास प्राइमरी है लेकिन यहाँ पर लेट सपोज़ कहीं पर आपके पास फूड एक जगह पर स्ट्रक हो गया ठीक है सो अब यहाँ से क्या होगा आपका जो पेरेस्टाइलिस सेकेंडरी से वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा कि पूरे एसोफेगस में स्टार्ट हो जाए जहां पर आपके पास होगा यहां से जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स वगैरह होंगे वो एक्टिवेट होंगे वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे आपके जो uh, सर्कुलर मसल लेयर है इनर और आपके आउटर लॉग च्यूडल मसल इनको एक्टिवेट करेंगे इनके जो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम उनको एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से आपका पेरेस्टाइल्सिस स्टार्ट हो जाएगा और सेकेंडरी पेरेस्टाइलिस में आपके पास क्या होता है ये आपके पास तब होगा अगर आपके पास फूड स्ट्रक हो जाए गल वाल में तब आपके पास अगर फूड आपके पास ट्रक हो जाए इजोफेगल वाल में तब आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी पेरेस्टाइलिस होगा और सेकेंडरी पेरेस्टाइलिस आपके पास सिर्फ उस जगह से होता है जहाँ से आपका ईजोफेगस में फूड ट्रक हो जाता है दूसरा आपके पास ये जो है ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं आता ये आपके पास है लोकल जो आपका इजोफेगस का म्यूकोज़ा है उसकी डिस्टेंशन की वजह से होता है डिस्टेंशन ऑफ इजोफेगल म्यूकोज़ा सो so, ये आपके पास होता है सेकेंडरी पेरेस्टाइलिसिस प्राइमरी पेरेस्टाइलिस प्राइमरी पेरेस्टाइलिस आपके पास सेम जो आपका फेयरिंग से आता है वही आपके पास कंटिन्यूएशन होता है अगर आपके पास यहाँ पर फूड कहीं पर स्टॉक हो गया वहाँ से आपका सिर्फ उसी जगह से पेरेस्टाइलिस सेकेंडरी स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास लोअर फिगर प्रिंटर तक आएगा जैसे ही वो फूड आपके पास स्टमक में आएगा आपके पास सेकेंडरी पेरेस्टाइलिस ख़त्म हो जाएगा सो so, ये तो आपके पास सारा डिग्रोडेशन और इसके अलावा जो हमने चीविंग के हवाले से बात की चीविंग आपके पास इंपॉर्टेंट मस्टिकेशन और जब मस्टिकेशन हो जाएगा फूड जो है वो बॉल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आपके जो सॉल्विंग के फेज है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे सबसे पहले आपके पास है औरल फेज़ औरल फेज़ में टंग हेल्प करता है पर आपके पास है फेरेंजियल में आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीन रास्ते होते हैं फूड के नेजल में आपके लेरिंग्स में और इजोफेगस में लेकिन मेन चीज़ हमारा इजोफेगल होता है सो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वो सही रास्ते में लेके आने के लिए पहले हम उसको प्रोटोकॉल देते हैं पहले हम उसको नज़ल नज़ल वाला रास्ता क्लोज कर लेते हैं लेरिंग्स वाला भी क्लोज़ कर लेते ताकि ये हमारा मिनिस्टर साहब जो फूड है ये यहाँ से सीधा आपके पास इजोफेगस में आए और लास्ट आपके पास इजोफेगल फेस जिसमें आपके पास सेम फूड आपके पास फेरिंग्स से नीचे स्टमक में आता है सो ये था आपके पास सारा अबाउट सॉल्विंग और डिग्लिटेशन